चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश है तो हमें शेष कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डायग्राम भी बनाना होगा। चलिए देख लेते हैं, हल हमको बनाना है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हम स्केल से बना दीजिएगा आप, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कोण का मान दिया है 120 अंश। तो देखिए ये जो है इस तरह से, ये तो क्या हो गया, न्यून कोण बन गया। तो न्यून कोण तो ये तो 60 अंश हो गया, तो यहाँ पर 120 नहीं लेना, कहाँ पर लोगे, इस तरफ पर हिस्से पे लोगे, ये 120 अंश होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 120 अंश। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया। तो दिया है आपका एक कोण का मान, यानी कि कोण बी का मान 120 अंश। ठीक है, अब ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको बताया है सम्मुख कोण, बताया है ना, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो बी का कोण किसके बराबर हो जाएगा, डी कोण के बराबर हो जाएगा, और एक कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, सी कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमारा लिख सकते हैं आप कि कोण डी जो बराबर है कोण बी के, इसीलिए जो बी का मान क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, साइड में लिखेंगे सम्मुख कोण से। इस तरह से, ठीक है, सेम आप लिख सकते हैं तथा करके, क्या लिखेंगे कि ए और सी भी बराबर हो जाएगा, ए कोण ए इक्वल हो जाएगा कोण सी के, ये भी कैसे हो जाएगा, सम्मुख कोण से। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद दिया है जो चीज आपको दिया था, फिर हमने क्या किया कि सम्मुख कोण से दोनों सभी तीनों कोणों को एक दूसरे के बराबर ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये शुरुआत का पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। तो हमारे पास दो कोण का मान निकल गया है 120 120, और बाकी जो दो कोण बचेंगे उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आप जहाँ पर सी है वहां पर हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपने 7th क्लास में भी बनाया है तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, ये आप इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दैट इज क्या आ जाएगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो आपका ए की वैल्यू हमारे पास नहीं था, बी की वैल्यू थी 120 अंश, सी की वैल्यू नहीं था, लेकिन ए और सी दोनों क्या थे, बराबर थे, इसलिए हम सी की जगह ए रख सकते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू जो है बी की वैल्यू के बराबर था, इसलिए ये भी 120 अंश हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, आप देखिए ए ए दो बार है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोण ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस 120 120 कितने हो गए, 240 अंश हो गए। ठीक है, बराबर में हमारा क्या चल रहा है, 360 अंश चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर, कोण ए बराबर में क्या आ जाएगा, 360 अंश माइनस 240 अंश। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा कि ये किस में था, प्लस में था, हमने पक्षांतर किया तो किस में हो गया, माइनस में। ठीक है, तो 2 कोण ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
360 में से आप 240 को घटाओगे तो 120 अंश ही आएगा, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर पक्षांतर करेंगे कि हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो दो यहाँ पर गुणा में है तो किसमें चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। दो एक कम दो, दो छक्के 12, दो सुन्ना शून्य, ठीक है। तो कोण ए का मान हमारा कितना आ गया, 60 अंश, ठीक है। तो एक कोण का मान तो पता चल गया, अब बाकी तीन जो बचे हैं, तीन ने डी का मान तो हमारा पता चल गया, सी का मान बचा है, तो सी का मान किसके बराबर था, ए के मान के बराबर था, इसलिए हमारा सी का मान भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, चूंकि कोण ए और कोण सी दोनों बराबर थे सम्मुख कोण से, इसीलिए हमारा जो सी का मान जो हो वो भी क्या आ जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। आप उत्तर में लिख भी सकते हैं कि ए का मान 60 अंश है, सी का मान 60 अंश है और डी का मान 120 अंश होगा, ठीक है। आपको तीनों कोणों का मान निकालना था, तो इस तरह से आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किसी समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात हमको दिया है 4:5, हमें सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, तो समांतर चतुर्भुज हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा होगी समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या बोल रहा है कि अंतः कोणों का, सॉरी, जो दो कोण है उसका अनुपात हमको दे दिया है 4:5। तो हम जानते हैं कि जब भी अनुपात में दिया जाता है तो हम इसे क्या करते हैं, एक्स में अंक बनाते हैं, यानी कि कोण दिया है तो एक्स अंश लगाना हमारा जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोण आप ले सकते हैं, इसको आप ए ले लीजिए और इसे आप बी ले लीजिए, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ए का मान हमारा 4x अंश हो जाएगा, बी का मान 5x अंश हो जाएगा, सी और डी की वैल्यू हम क्या करेंगे बताइए। अभी जैसे हमने पढ़ा है ना कि ए और बी, सॉरी ए और सी सम्मुख कोण थे, वैसे बी और डी सम्मुख कोण थे। तो यहाँ ए का मान 4x है तो सी का मान 4x हो जाएगा, बी का मान 5x है तो डी का मान भी 5x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हल करोगे, माना। अब यहाँ पर हम बी आई क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 4x 5x हमको दिया नहीं था, हमने माना उसको, कंसीडर किया है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि कोण ए का मान 4x अंश है तथा कोण बी का मान 5x अंश है, ठीक है। फिर आप लिखोगे, चूंकि कोण ए कोण सी क्या है, सम्मुख कोण से बराबर है, सेम, इसीलिए आप लिख सकते हो कि कोण सी का मान भी क्या हो जाएगा, 4x अंश हो जाएगा, ठीक है। फिर तथा फिर से आप लिखेंगे, चूंकि कोण बी और कोण डी दोनों बराबर है, यहाँ पर फिर से आ जाएगा सम्मुख कोण से, इसीलिए आपका जो डी का मान है वो भी क्या आ जाएगा, 5x अंश हो जाएगा। तो इस तरह आपको चारों ही कोणों का मान पता चल गया, ए का मान 4x है, बी का मान 5x है, सी का मान भी 4x है, डी का मान 5x है, ठीक है। तो चारों कोण पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हम लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमें क्या लिखना होगा, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर में आ जाएगा 360 अंश, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी थी 4x, बी की वैल्यू 5x अंश, सी की वैल्यू 4x 5x अंश, ठीक है, 360 अंश हो गया। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबको जोड़ने से हमारा कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा, 360, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो गुणा में दिया है 18 वो किसमें चले जाएगा, भाग में। यहाँ आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, x की वैल्यू आ जाएगी 360 अंश डिवाइडेड बाय 18, ठीक है।
इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 18 × 18 = 36 और ये 20 अंश, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 अंश। ठीक है, तो ये हमारा कोई कोण नहीं था, हमारा कोण था 4x और 5x। तो हमारा यहाँ पर हमको x की वैल्यू रखना होगा तभी हम कोण का मान याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसके बाद आप लिखोगे चूंकि कोण a का मान क्या था 4x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a गुणा x की वैल्यू रख देंगे आप 20 अंश, क्या आ जाएगा 4 × 8 = 0। तो a की वैल्यू तो हमारी 4x आ गई। उसी तरह आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो तथा आप लिख सकते हो कोण b की वैल्यू हमारी थी 5x अंश, तो 5 × 20 यानी कि 100 अंश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a और b का मान। अब c और d का मान निकालना था, तो c का मान किसके बराबर है, कोण a के बराबर है, और d का मान कोण b के बराबर है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने लिखा है क्योंकि कोण a और कोण c दोनों बराबर हैं, इसलिए कोण c का मान हमारा आ जाएगा 80 अंश, तथा क्योंकि कोण b और कोण d दोनों बराबर थे इसलिए कोण b का मान भी आ जाएगा 100 अंश। ठीक है, बार बार आपको हल नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाएगा।